यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब अच्छा? पढ़ाई कर रहे हो मन से? तो एक बात बोलना था कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है? तो कुछ लोगों का कहना था, सर स्कूल्स वगैरह हो गए हैं, क्लासेस एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाया था। तो यार परेशान मत हो आप लोग बच्चों, काम करो, टाइम बना लो, आप लोग टाइम टेबल घर का बना लो। आप लोग स्कूल्स जो हो रहे वो तो चलेंगे ही, ठीक है? अभी कम से कम महीना भर और चलवाएंगे ये लोग, मार्च तक चलवाएंगे ही चलवाएंगे, इतना डैम श्योर है। एंड एक काम करो ना, आप लोग टाइम टेबल बनाओ, खुद को मैनेज करो, एक टाइम फिक्स कर लो, मुझे इतने घंटे इसमें दे दें, इतने घंटे इसमें देना। आप कम से कम डेली ना 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं तो कोशिश करो डेली एक सब्जेक्ट को 1 घंटा मुझे देना ही देना है, घर पर सिर्फ। स्कूल और ट्यूशंस जो भी लेते हो या हम मेरे वीडियोस देखते हो तो उन सबको छोड़ करके कोशिश करो, मैनेज कर लो, 1 महीने की बात है ना, ठीक है? तो इसे मैनेज करो, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब घर पे बहुत लोगों को खेलने का आदत होता है, शाम में खेलने जाते हैं या फिर मॉर्निंग में अभी भी खेलने जाते हैं, मॉर्निंग में उठ जाते हैं। कुछ लोग हैं मेरे पड़ोस वाले, कुछ स्टूडेंट लोग हैं ना, तो खैर उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे क्लास 10 का। मैंने 8.1 8.2 दोनों करवाया है, 8.4 करवा रहा हूँ, 8.3 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो नहीं आ रहा है इस बार सिलेबस में, ठीक है? आगे मैं करवा दूंगा बाद में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था, ये आइडेंटिटी का पोर्शन है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 महीने करवा दिया था, 5 का 2 तक, 5 का 3 से मैं स्टार्ट करूंगा। याद रखिएगा जो 5 का 3 है ना, 5 का जो 3 है ना, मतलब सी नंबर, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको ध्यान से देखिएगा, हो सके तो मुझे एक बारी रब करना पड़ेगा फिर दोबारा बनाऊंगा क्योंकि 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग, है ना? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है दिया हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का 3 है, कह रहा है टेन टेन थीटा माइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा, ठीक है? फिर बोल रहा है प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है? और इज इक्वल टू हमसे पूछा 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है? तो एक बात मैं बता देता हूँ, इस वाले में ना जैसा मुझे लग रहा है ना, एलजेब्रा के 2 फार्मूलाज भी होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान दीजिएगा। जब फार्मूला a+b या a³ का या b³ का, कुछ टर्म का जो फार्मूलाज होते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल क्यूब, ठीक है? a³ - b³ का इज इक्वल टू क्या होते हैं, इस सारे फार्मूलाज को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबाएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, हो गया बहुत सारे बात। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कॉसेक चाहिए, यहाँ पर सेक चाहिए, दो दो टर्म हमें चाहिए यहाँ पर, कॉसेक और सेक। अब सेक हमें कहाँ मिलता है, कॉस के साथ, और कॉसेक हमें कहाँ मिलता है, साइन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास वो दोनों टर्म नहीं है, एक काम करेंगे इन दोनों को, सारे टर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो टेन का हमारा क्या होगा, टेन का मैं लिखूंगा साइन बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसका मैं करूं 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। सारे फॉर्मूलाज यदि आप लोगों को नहीं पता है तो याद रखिएगा, मैंने सारे फॉर्मूलाज का एक वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? इसका हम चेंज करेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसका चेंज करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? आगे चलते हैं अगला टर्म में, इन दोनों को एलसीएम ले लो, इधर इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है? तो एलसीएम लेने के बाद मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दूं, एलसीएम लेके कन्वर्ट भी कर दूं इकट्ठा, नहीं कर देता हूं मैं, पूरा कर देता हूं, नहीं तो बोलोगे cos और इसका मैं एलसीएम ले लूं तो साइन इसके साथ आएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा पूरा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही आएगा, प्लस का प्लस, ठीक है? cos बाय साइन
डिवाइडेड बाय टोटल का, इसका मैं एलसीएम ले लूं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? दो स्टेप, ठीक है। तीसरा मैं यहां पर चल रहा हूं, ठीक है। एक बात और, आज भर लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ ना केबल बोलता हूं मैं, लाइट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। अब एक ही बात मैं दो बार बोल दिया, बस लाइट का प्रॉब्लम है। अब इसे कन्वर्ट में कर दूं, ये हमारा पूरा न्यूमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। जब मैं कन्वर्ट करता हूं, मैं कैसे समझाऊं, देखो यहां पर यदि a बाय b होता है और इधर x बाय y होता है, तो इसे कन्वर्ट करने पर क्या होता है, a बाय b इंटू ये ऊपर चला जाता है, ये टर्म आपको पता है ना, ये तो ये सारे टर्म ना गड़बड़ मत करना कभी, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसी तरह हमारा a बाय b और ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। तो हम लोग चेंज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसे मैं चेंज करूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन, ऊपर जाएगा क्योंकि यहां पर जिस तरह y हमारा ऊपर गया था, यहां पर नीचे आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ये वाला टर्म, तो इसको भी इसी तरह कर दे तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा कट गया, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा कट रहा है ना, दिख गया ना आप लोगों को? हाँ, अब दिख रहा हो, है ना। अब यहां तक हम लोग ले आए तो साइन मिल गया मेरा इसका, कॉस मेरा इसका मिल गया, ठीक है। अब एक काम करूं, दोनों को इकट्ठा कर लो, मैं इक्वल टू अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू आप लोग लेते चला, मैं एक प्लस लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें आरएचएस के साथ चलना पड़ता है, एलएचएस आरएचएस। अच्छा, एक चीज मैं लिखना भूल गया, है ना, एलएचएस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एलएचएस से, है ना। जो भी फॉर्मूलाज होंगे आप बीच में लिखते चले जाना, तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ चेंज किया था, तो आप इसको डिनोट कर देना, दिखा देना, ठीक है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा यही होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग साथ कर दें तो हो जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा। क्लियर है? एक मिनट, हाँ, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, एक काम करो ना, साइन और कॉस है ना, कॉस माइनस में, तो साइन का माइनस बाहर कर दो, तो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा ये टर्म, तो मैं करूंगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म एज इट इज उतारोगे अभी, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने साइन चेंज किया यहां पर, तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा, इसी के जैसा हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आगे ये टर्म लिख ही देता हूं यार, समझ में आ गया? मैंने क्या किया, ये जो साइन था ना, अब यहां पर साइन था, तो मैंने क्या किया, साइन को बाहर निकाला, तो ये हमारा माइनस में चला गया, क्लियर है। और यहां पर ये पोजीशन चेंज हो गया, कॉस प्लस में था, अब कॉस माइनस में हो गया। एक तरीके से बोलो तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, या फिर इसको पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस दोनों टर्म को बाहर निकाल लो, तो बाहर में निकाल दू तो ये पूरा टर्म हमारा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां क्या बच जाएगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा। दिख रहा है ना स्टेप में कैसे कैसे चला रहा हूं, दिख रहा है ना?
तो पहला LHS है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सात स्टेप मैंने किया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी मिटा दूंगा इसे, रब कर लूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं स्लो चलूंगा ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि यार हर कोई होते हैं, आपके साथ वैसे भी बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है क्वेश्चंस में, तो जहां तक हो रहा है अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, इसको पलटना उसको पलटना, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मुझे ना, देखिए मैं ऐसा क्यों किया, सबसे पहले तो मुझे टेन चाहिए था, तो मुझे ये टर्म चाहिए था, तो कॉस साइन जब तक नहीं लाऊंगा तो साइन के साथ ये मिलेगा, कॉस के साथ हमें ये मिलेगा, यहाँ तक के लिए इसलिए मैंने चेंज किया। अब चेंज किया तो इसको क्या करूं मैं, एज इट इज तो छोड़ूंगा ना, वन एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर, साइन भी है, तो उसका मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व ऐसे किया, फिर ये वाले टर्म से मैंने इसको बदला, यहाँ बदला, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो फंस जाता, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा था, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा था तो इसे मैं बाहर निकालना चाहा या फिर कैंसिल करना चाहा तो हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इसके साथ साइन चेंज किया, यहाँ पर मैंने साइन चेंज किया तो दोनों टर्म सेम आ गए, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अब ये दोनों टर्म बाहर निकाले तो मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद हमारे पास ऐसा दिख रहा है, यहां तक क्लियर है, ये सिक्स नहीं है, ये थीटा है, गड़बड़ मत करना, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा इधर, ये वाला टर्म मैं मिटाऊंगा क्योंकि अभी वो रखूंगा ना, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। अभी RHS मैंने रखा है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए वो मेरा रास्ता है ना, उसे मैं कैसे मिटा दूं अभी, है ना। अब एक काम करो, ये कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, अब इसको वापस एलसीएम ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब और कॉस क्यूब क्या होगा, हाँ तो इसका हो जाएगा वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, यही होगा ना, जब मैं पूरा इसे सॉल्व कर दूं तो, और नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यही मिलेगा ना। अब वापस मैं इसे लिखूं तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका चढ़ा ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। मैंने क्या किया है, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम मैंने ले लिया है, एलसीएम ले लिया मैंने, अब एलसीएम लेने की गड़बड़ मत करना कि एलसीएम क्यों लिया, कैसे लिया वगैरह, है ना, यहां तक क्लियर है। अब एक काम करो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, अभी आपको फॉर्मूला में लगा रहा हूं, अब जाकर फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक फॉर्मूला होता है ये, एक और फॉर्मूला होता है याद रखना, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए माइनस, एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी, ठीक है। ये थ्री वाले फॉर्मूला में नहीं लेकर आ रहा, इसका दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके दोनों फॉर्मूला होते हैं, तो मैं ये टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि थ्री अभी एक्स्ट्रा यहाँ पर थ्री मुझे चाहिए ही नहीं, क्यों एक बार मतलब सर पर टेंशन लेके चलूँ, और प्लस क्यूब ऑलरेडी क्यूब को तो मैं हटा रहा हूँ, फिर से क्यूब आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। अब स्क्वायर क्यूब मैंने लिया, स्क्वायर का फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला स्क्वायर पर खड़ा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हर जगह आ रहा है, तो क्यूब को हटाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब ये, अब ए हमारा क्या है, साइन है, बी हमारा क्या, कॉस है, अब इसे लिखना पड़ेगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो नहीं ना, नहीं जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं, यहां पर हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में मतलब छोटा लिख देता हूं, ठीक है, यहां कॉस ये वाले टर्म में उतार रहा हूं, अब इसको पूरा उतारना है, तो ए की जगह मेरा क्या है साइन, और बी की जगह हमारा क्या कॉस है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो अब कैंसिल हो रहा है, ये
ये टर्म कैंसिल हो रहा है ना, मिल गया ना कैंसिल होने वाला टर्म, और इधर हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय पूरा का डिवाइडेड बाय ये टर्म अभी आप रख लो, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में आया। अब देखो ये टर्म पूरा मुझे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने किया है। अब मैं उधर मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप ले चुके थे ना इसका स्क्रीनशॉट, तो मिटाऊंगा मैं, अभी मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे तो मैं इसका मिटा रहा हूँ। देखिए यही तो टर्म है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन इतने लंबे जाते हैं कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा उस जगह पर, है ना, उस जगह आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बची है, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा का डिवाइडेड बाय इंक डालना होगा मुझे अभी, ठीक है, पूरा का डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दिस इज इक्वल टू वन होगा, मुझे वन अब दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू वन होगा तो मैं यहाँ वन लिखूँ, ठीक है वन होगा तो वन लिख दूँ। अब फॉर्मूला आप यहाँ पर इंडिकेट कर देना सेंस करके, ठीक है, ये गड़बड़ मत करना आप लोग, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ फॉर्मूला इसका इंडिकेट कर देना आप लोग, और वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आंसर, आ गया आ गया आ गया आंसर, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे सेपरेट कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, एक का जरूरत हो रहा है ना, ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस, इसे मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस का प्लस इसका वन, अब वन बाय साइन का कॉसेक होगा, वन बाय कॉस का सेक होगा, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस और वन का वन, आंसर मुझे मिल गया, मुझे आंसर मिल गया सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन, ये हमारा आरएचएस मिल गया, समझ में आया कैसे कैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग पर मत जाना आप लोग, ठीक है, हैंड राइटिंग पर मत जाना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, बस ध्यान देना, फोकस करना क्वेश्चन को, समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा दूसरा कहाँ गया, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं मिटा दूंगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहला मैंने वो स्क्रीनशॉट बोला, अब दूसरा ये स्क्रीनशॉट बोला, अब इसे आप मिटा दो, ये हमारा एलएचएस फाइंड था, हमें ये क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो आगे हमारा एलएचएस से मैंने चला आरएचएस तक पहुंच गया हमने, ठीक है, पहले मैंने बोला था एलएचएस आरएचएस हम लोग को चलना होता है, ठीक है, मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इंक भी डालना है, जल्दी करो यार, ठीक है मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कोशिश करता हूँ, सोचा था ना आज तीन क्वेश्चन कम से कम करवाऊँ, लेकिन क्या बोलो अभी इंक भी खत्म है, अभी इंक डालूंगा टाइम जाएगा, है ना, क्या करूँ, क्या करूँ, मर जाऊँ, है ना, चलो मजाक मस्ती होता रहता है, रेड से ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, इंक भी डालने में टाइम लगेगा। क्या रहा है फाइव का फोर्थ, क्या रहा है क्वेश्चन है, फाइव का फोर्थ क्या रहा है, वन प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ठीक है, फिर कह रहा है, ओ यही है क्वेश्चन, अब आरएचएस सीधा कह रहा है मुझे चाहिए साइन स्क्वायर
वन माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एलएचएस है, हाँ मुझे ये आरएचएस चाहिए, यही तो यही सवाल है ना, हाँ यही सवाल है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए साइन और यहाँ कॉस चाहिए, तो कॉस लाने के लिए इसको मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है ना वन बाय कॉस, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना आप लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देना, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस थीटा, क्लियर है। पहला टर्म मैंने यहाँ लिया, ठीक है। दूसरा इसका एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको फिर वापस मैं एक्सचेंज करता हूँ, जिस तरह अभी मैंने ए बाई बी और एक्स वाई का मैंने बताया था, उस सेम टर्म यहाँ पर आ रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय वन। अभी कॉस अभी कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस वन, ये तो बचा और तो कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई में तो वन बने, ठीक। अभी आप इसको एलएचएस लाकर छोड़ दो, एलएचएस लाकर छोड़ दो, ठीक है। वापस आइए तो आरएचएस में, आरएचएस में हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है आरएचएस में, ठीक है, आरएचएस में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन रख सकते हैं, तो साइन की जगह पर मैं रख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इसी में रख सकता हूँ ना, बोलो हाँ जी, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो मैं रख सकता हूँ ये टर्म, ठीक है, तो मैं उसकी जगह ये रखता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक भी क्लियर है। अब एक और नया फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, मान लो यहाँ पर वन है, तो मैं इसके ऊपर वन चढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि पहले ही भी आपको पढ़ा है क्लास फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन में कि वन पर जितना भी पावर रहेगा वो वन ही कहलाएगा, और कोई भी नंबर के ऊपर में पावर जीरो होता है तो वन कहलाएगा, यही हमने पढ़ा ना। तो इसका फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है आपको फिर से, ये ए प्लस बी और a माइनस बी, यही है ना, तो a दिसो का a इक्वल टू वन और b इक्वल टू कॉस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा। अब ये पूरा कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास वन प्लस कॉस थीटा, आ गया RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। तो ये वाला सवाल थोड़ा अलग था, इसमें हमें क्या करना पड़ा, हमें दोनों सॉल्व करना पड़ा, LHS भी और RHS भी, इसको दोनों हमें सॉल्व करना पड़ा, समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप में क्लियर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसे चला, ठीक है। LHS से आया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, sec इज इक्वल टू वन बाय कॉस, फिर इसको मैंने चेंज किया पूरा, तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप मेरा ये था, फोर्थ के बाद इसको कन्वर्ट किया, फिफ्थ के बाद सिक्स, छठा स्टेप है LHS मैंने छोड़ दिया, अब आया मैंने RHS में, वापस यहाँ पर RHS में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या था, ये फॉर्मूला था, इसको सॉल्व किया तो यहाँ आया, तो मैंने साइन की जगह पर ये टर्म पुट किया, ठीक है। तो RHS का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर फोर्थ में एक और फॉर्मूला मुझे मिला, फोर्थ में एक और फॉर्मूला मिला, वो मैंने इस पर अप्लाई किया, फोर्थ अप्लाई करने के बाद इसको मैंने ये लिखा, फिफ्थ सिक्स में मुझे वापस ये टर्म मिल गई वन प्लस कॉस थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया, साबित होता है
कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, स्लो में जल्दी चलता हूँ तो यार उसको परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर हजार है। अब मैं टोटली स्पीड भागने लगूंगा तो जो भी 50 बच्चे वो तो यार देखेंगे नहीं, वो तो छोड़ देंगे ना, तो मुझे सबको देख कर चलना पड़ेगा ना। अब इतना तो थोड़ा सा हैंडल कर लो, मैनेज कर लो, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए, दबा कर शेयर करिए यार। आप ही लोग पर तो मैं गर्व करता हूँ, आप लोग नहीं मदद करो तो कौन मदद करे। आप लोग पैसे दे करके, हजारों हजार रुपया दे करके पढ़ते, तो मैं अपना फ्री दे रहा हूँ, जितना होता है डेली में एक घंटे डेढ़ घंटे आप लोगों के लिए देता हूँ। दो ही क्वेश्चन बनाता हूँ, बट उसको अपलोड करना है, एडिट करना, फिर शेयर करना, पर टेक्स्ट उसमें लिखना है, क्या उसमें लिंक देना पड़ता है, और भी कुछ फंक्शंस है, तो ये सब करना पड़ता है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।